नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। और दोस्तों, आरोग्य में हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के बारे में, जो हमें स्वस्थ और सही तरीके से जीने का तरीका बताता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। आपको पता है कि आपके ही कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनसे हमारी टीम जाकर बात करती है। आइए देखते हैं कौन आया इस बार कैमरा के सामने। जी, मेरा नाम मीना है, मैं वृंदावन की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत सालों से, 12 साल से गठिया की बीमारी है। पहले मैंने एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, थोड़े टाइम ठीक हुआ, फिर हो जाता था। फिर मेरे को किसी ने वैद्य जी के बारे में बताया कि आप इनसे लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। फिर मेरे को 2 महीने हुआ दवाई लेते हुए, मैंने इनसे ली, मैं काफ़ी ठीक हूँ। अभी थोड़ा समय और दवाई चलेगी, वैद्य जी का थैंक्स। वृंदावन से मीना जी, इनको 12 सालों से गठिया की प्रॉब्लम थी। कितनी बार इन्होंने एलोपैथी ली, कितनी बार इन्होंने होम्योपैथी ट्राई की, बट कभी इनको एक सेटिस्फाइड जो सोल्यूशन होता है उसका नहीं मिल पाया। जो आपसे मिला, ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया आपने इनको, ऐसा क्या इनको आयुर्वेद से ट्रीटमेंट मिला कि आज कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं? ऋचा जी, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि किसी को ये बीमारी है तो आप इसका ट्रीटमेंट कर दें, दवाई शुरू करें। लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि जिन कारणों से हमारी बीमारी बन रही है, हमको उन कारणों से बचना चाहिए। खासतौर से दही है, खटाई है, कुछ दालें जैसे अरहर की दाल है, राजमा है, छोले हैं, हमको इस तरह के पदार्थ से, भोजन से बचना चाहिए। इस तरह की बीमारी में खटाई बहुत नुकसान करती है, और साथ में कोष्ठबद्धता यानी कि कॉन्स्टिपेशन, जब हमारे पेट के अंदर मल सड़ने लगे तो उसका पाचक रस भी दूषित हो जाता है। वह ब्लड के साथ मिलकर अक्सर जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर इस तरह की बीमारियां बनाता है। और हम अपनी फार्मेसी में मुख्यतः मैं 3 दवाई के लिए बारे में कहता हूं, जो कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, सब में अपना चमत्कार दिखाती है। एक मनोहर बूंद रामफलवटी, कुंदरू गोंद, कुचला शुद्ध कपिलू कहते हैं, और हरित की, इसके अंदर पड़ते हैं हार सिंगार के पत्तों का रस। हार सिंगार सियाटिका में बहुत अच्छा काम करती है, और साथ ही साथ जिनको मलेरिया हो या टाइफाइड हो उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। और दर्द के लिए तो बहुत अमृत तुल्य है, इसका रस यदि पड़ा है तो बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ में दशमूल घनवटी, शालपर्णी, पशपर्णी, छोटी कटहली, बड़ी कटहली, गोकरू, बेल, पाडल, गंबारी, इन सब चीज़ों का हमने लिया घनसत्व, इनको पकाकर छान करके इनका घनसत्व बनाया। और तीसरा शिलाजीत वटी, मैंने इनको शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूल घनवटी तीनों की 2-2 गोली 2 बार नियमित रूप से सेवन कराई। और साथ में वृहत वात चिंतामणि, आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध दवा है, जिनका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो या डिप्रेशन में हो या उनका स्नायु मंडल बिल्कुल बेकार हो रहा हो, उनकी मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता हो या अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा क्लिक करती हो, उनको मैं अक्सर ही दवाई देता हूँ। इसका मुख्य घटक स्वर्ण है, यदि स्वर्ण उसमें पूरी मात्रा में है तो निश्चित रूप से असर दिखाती है। इनको वर्धवा चिंतामणि, समीर पन्नक, एकांगवीर और प्रवाल पिष्टि मिलाकर मैंने सेवन कराई। दशमूल घन, शिलाजीत वटी, रामफल वटी, द्वय गोली 2 बार, इन तीनों की 2-2 गोली 2 बार, उष्ण नीर संग सेवन से मिटे समस्त वात विकार, यानी के 2-2 गोली हम नियमित रूप से सेवन कराएं तो निश्चित रूप से हमारे किसी भी प्रकार के वात विकार नष्ट होते हैं। और साथ में कुछ प्रसिद्ध क्वाथ हैं, जैसे कि रासना सप्तक क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ, दोनों की 1.5 चम्मच एक गिलास पानी में पकाकर छान कर इसमें 20 बूंद महानारायण तेल की मिलाकर सेवन कराई, इनका वात शमन हुआ। पुनर्नवा क्वाथ के अंदर और रासना सप्तक क्वाथ के अंदर कुटकी और अरंड और साथ में अमलतास है, ये पेट भी साफ करता है। मैंने इनको ये दवाई दी और धीरे धीरे इनका वात शमन हुआ, घुटनों में जो दिक्कत थी उसमें इनको बहुत लाभ मिला, और भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है।